हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए की पाठशाला। आज मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। बहुत रीसेंट स्टडीज आई जिन्होंने प्रूव किया कि 80% इंडियंस में विटामिन डी कम है, वो भी तब जब हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहां पर सन का अबंडेंस है, उसके बाद भी हम अपना विटामिन डी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बेसिकली हेल्प करता है आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। वो हेल्प करता है आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारी कंट्री में सीवियर डिफिशिएंसी डेवलप हो रही है विटामिन डी की। अब इसकी क्या कारण हो सकते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो सन एक्सपोजर है वो कम हो गया। अब आप कहेंगे सन एक्सपोजर से विटामिन डी कैसे मिलता है? हम तो बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हाथ पे धूप लगती है, मुंह पे धूप लगती है, तो लगती है, तो फिर इससे विटामिन डी पूरा क्यों नहीं होता? तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसका पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर में कैसे बन रहा है। हमारे शरीर में विटामिन डी बन रहा है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है 7-dehydrocholesterol। जब इस पे यूवीबी रेस पड़ती है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जब पड़ती है, तो उस सिचुएशन में ये बनाता है एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 3, ये इसे हम बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। और इसके एक्टिवेशन के लिए ये यहां से जाता है तुम्हारे लिवर के पास, और वहां पे इसका हाइड्रोऑक्सिलाइजेशन होता है इस एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है 25-hydroxylase, जहां पर ये बनाता है 25-hydrocholecalciferol। उसके बाद ये जाता है किडनी के पास, और किडनी के पास जाकर ये बनाता है 1,25-dihydroxycholecalciferol, जो कि है ये वर्ड। अब जिन लोगों को भी किडनी डैमेज होती है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो उनके शरीर में ये चीज नहीं बन सकती, उन्हें फिर कैल्सिट्रायोल की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, दवाइयां दी जाती है, ताकि उनकी बॉडी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का एक बैलेंस मेंटेन कर सके। ये तरीका जो था, ये जो आपने देखा, ये आपकी बॉडी नेचुरली कर सकती है, बट इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 15 से 30 मिनट, सिर्फ 15 to 30 मिनट्स की धूप आपको रोज लेनी है, और मैक्सिमम अपना पूरा एरिया एक्सपोज करना है सन के सामने। कोशिश कीजिएगा जो सुबह की धूप है, 8 से 9 बजे की जो धूप है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उस धूप में एक तो ओजोन लेयर बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है तुम्हारे स्किन को, वो नहीं होती है। अगर आप 15 मिनट का एक्सपोजर भी ले लेते हैं तो वो भी सफिशियंट होता है, बट एक्सपोज एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी कारण से आप ये धूप नहीं ले पाते, आप लेट उठते हैं, आपको ऑफिस जाना होता है, देन उस सिचुएशन में हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लांट बेस्ड विटामिन डी और एक होता है एनिमल बेस्ड विटामिन डी। प्लांट बेस्ड में हमारे पास आता है जैसे मशरूम्स या फोर्टिफाइड फूड्स, कि प्लांट यूज करके आपने विटामिन डी टू की वैल्यूज क्रिएट की, उसको बोलते हैं विटामिन डी टू या अर्गोकॉलीकैल्सिफेरॉल। या फिर एनिमल बेस्ड, जैसे लिवर जो होता है, जानवर का जो लिवर होता है वो बहुत अच्छा ऑर्गन मीट में बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। या अगर आप बात करते हैं एग योक की, जिसे उठाकर आप अपने पास वाले कुत्ते को डाल देते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी थ्री का, जो कि हमारे शरीर में जाता है, लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, और फिर वो एक कंपाउंड बनाता है 1,25-dihydroxycholecalciferol, या फिर जिसे हम बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। तो अगर आप भी डेफिशिएंट, और ये पता कैसे चलेगा मैं डेफिशिएंट हूं, किसी भी पैथ लैब पे जाऊंगा और वहां जाके उनको बोलूंगा मेरा विटामिन डी टेस्ट कर दीजिए, और अगर विटामिन डी टेस्ट करते ही कम आया तो या तो मैं सन एक्सपोजर शुरू करूंगा 15 to 30 मिनट्स, या मैं एग योक खाना शुरू करूं, मशरूम, इन सारी चीजों का इनकॉर्पोरेशन शुरू करूं, या ऐसे फूड खाना शुरू करूं जो फोर्टिफाइड है विटामिन डी के साथ। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो 400 to 1000 आयु विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट मुझे रोज लेने की जरूरत है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हड्डी जो है वो कमजोर ना हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे फ्री रेडिकल्स जो मेरे टिश्यूज को, मेरी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, अगर मैं उसे न्यूट्रलाइज करना चाहता हूं, तो मुझे हर रोज इतना विटामिन डी लेना जरूरी है।
तो क्या आपने अपना विटामिन डी चेक कराया और चेक करवाया तो आपकी वैल्यू क्या थी, और क्या आपने उसके लिए कोई सप्लीमेंट लिया? अगर लिया है तो नीचे नाम लिखिए विद डोजेज कि आप कितना विटामिन डी एक दिन में कंज्यूम करते हैं।